रितु जी माइक खोलिए, दशांक के जो लोग नाम में आ रहे हैं उनके माइक खोल दो, रितु जी का माइक खोल दो। जिनको भी प्रश्न पूछते हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए आज के प्रोग्राम में वे आजाद हैं। तो रितु जी, हाँ जी सर, जैसे आप मोक्सा कह रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट को नहीं समझ आता कि ज्यादा हीट मिल गई, तो नहीं, ये डायबिटिक के बारे में अभी अब छूट सेफ्टी पूरा कवर नहीं हुआ है, अभी हम सेफ्टी पे बात करेंगे। तो जो नहीं परसों वाली क्लास सेफ्टी, होगी, हाँ परसों वाली क्लास में हम डायबिटिक पे पूरा चर्चा करेंगे। नहीं सेफ्टी साइड कह रही हूँ, उनको हाँ पहले बर्नौल लगा के ही करें मोक्सा। नहीं, उस पे हम बताएंगे, अभी अभी वो चैप्टर बाकी है। हम सेफ्टी वाले में परसों वाले क्लास में डायबिटिक लेग के ऊपर में चर्चा करेंगे, हर प्रकार के रोगी के बारे में। इसलिए मैंने ये चीजें पहले ली है, नहीं तो लोग आज ही मोक्षा खरीदेंगे, कल से डंडी लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए आपने सवाल अच्छा पूछा है, आपके उत्तर देंगे हम परसों वाले क्लास में डायबिटिक वाले लेग के ऊपर में लेंगे, क्योंकि तो सेफ्टी का चैप्टर बहुत बड़ा, हॉट टाइप के मॉक्सिबेशन है। तो मैं सब पे नहीं जा रहा, लेकिन अमूमन उन सब पे जा रहा हूँ जो अमूमन भारत पे क्लिनिक में लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं वो सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ। तो डायबिटिक लेग पे बिल्कुल बातें होगी और डिटेल में बात करेंगे। हाँ जैसे आपने बोला कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट सो जाता है, तो मैक्सिमम कितनी देर तक उसको ना उठाएं, क्योंकि पेशेंट सो जाते हैं, हाँ नींद आ जाती है उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना जगाएं। पहले पेशेंट से पूछ ले आपको कहीं कोई अर्जेंट काम तो नहीं है, तो वो बता देता है नहीं जी कर रहे, तो बोले अगर नींद आ जाए तो सो जाएगा, जगाएंगे नहीं। और वैसे भी हम हमारे यहाँ लाइट नहीं चलाते, तो और शूटिंग एटमोसफेयर आपने देखा ही होगा वो रहता ही है। और हमारे पेशेंट भी आप देखिएगा वो शूटिंग के दौरान ही सो गए, बहुत सारे पेशेंट को वो शूटिंग के दौरान ही सो जाए, इतना रिलैक्सिंग होता है। तो पेशेंट को कभी नहीं जगाएं। हमारे पास देखिए, हम 10 बेड है हमारे पास, इससे हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपके पास बेड ही 2 हो और पेशेंट 4 आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में देखना होता है, लेकिन के पेशेंट को ना जगाएं, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जो पेशेंट नींद लेकर जाग जाएगा, रिकवरी उसकी बहुत बेहतरीन होती है। हम नहीं जगाते, हाँ बिल्कुल हमारे सही बात हमारे है। उसको नर्सेज को एकदम साफ तौर पर ट्रेनिंग है कि भूकंप आ जाए तो भी नहीं भागना है और पेशेंट को नहीं जगाना है, किसी भी हालत में नहीं जगाते। मेरी माँ मुझे नहीं जगाती है, मैं बोलता अरे मेरा ये हो गया तो बेटा बेटा जब फ्लाइट पकड़ना होता तो कैसे जाग जाता है, आज भी जाग जाता है। तो आपका पेशेंट की रिकवरी हमें अच्छी चाहिए और शांति। देखिए पेशेंट है ना, सिर्फ दर्द का इलाज करने नहीं आता। हिंदी में बड़े अच्छे अच्छे शब्द है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, अंग्रेजी में सिर्फ पेन है। पीड़ा जानते हैं कहाँ से आती है, जब घर का छोटा बच्चा बड़े को कह देता है तू तो हमेशा यार दर्द दर्द चिल्लाता है, उसको पीड़ा हो रही है। दर्द होता है जब उसका घुटना में दर्द होता है, बात समझ के। दुख उसको तब होता है जब उसका बच्चा को कमा के दिया और बच्चा कहता है अरे बहुत पैसा खर्चा हो गया पापा, रहने दो, खुद ही एक्सरसाइज कर लो, टांगी तो हिलाओगे, तब उसको दुख होता है। तो ये पेन का वर्ड सिर्फ अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, गम है। गम का मतलब हो गया अब टूटा हुआ इंसान हो गया, वो अब टूट गया यार, किसी को नहीं बोलना, हरी भजना है, जो होगा देखा जाएगा, अब गम में है वो बंदा। और हम सुकून का सेंटर चला रहे हैं, हम हीलर है, हमारे पास आने से, हमारे बातों से, हमारे शब्दों से, हमारे क्लिनिक से, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारे आचरण से, हमारे उसको के साथ आने वाले पेश से, हर चीज से उसकी हीलिंग होनी चाहिए। जी वरेंद्र जी दिख रहे हैं, वरेंद्र जी पूछिए, वरेंद्र जी माइक खोलिए। वरेंद्र जी माइक खोलिए। ये है कि नीडल के ऊपर जो कट मोक्षा लगाना है, वो वर्टिकल सही है या ओरिजेंटल सही है जी? देखिए सही दोनों ही है, दोनों के अपने अपने सिद्धांत है, लेकिन तो आपको वर्टिकल है उसके सिद्धांत आपको बताए, वो फर्स्ट लगाने के साथ साथ ही उसमें स्पाइरल हिट शुरू हो जाएगा निडल के लिए, और हॉरिजेंटल लगाएंगे तो थोड़ा क्षण लेकर करेगा। तो ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस पे है, मैं हॉरिजेंटल नहीं लगाता, मैं वर्टिकल ही लगाता हूं। कुछ मिलीमीटर मिली सेकेंड का अंतर रिजल्ट में आएगा।
वर्टिकल से लगाने के साथ साथ हिटिंग स्पायरल हो जाएगा, जो हिट उत्पन्न होगा वो स्पायरल ही होगा वो। लेकिन आपने अगर ऐसे लगा दिया तो स्पायरल बनने के लिए उसका कागज का हटना जरूरी है, तो पहले दोनों तरफ से बंद होगा तब वो कागज हटेगा तब उसकी हिटिंग स्टार्ट होगी। तो हमने तो दोनों कोना को पहले अनयूज्ड कर दिया ना उसको। ये निडल है, इसको स्पायरल होने के लिए इस निडल के ऊपर हिट आना जरूरी है, तभी वो कंसंट्रेट होगा। जब हमने ऐसे लगा दिया तो पहले इधर की हिट इधर गई, इधर की हिट इधर गई, फिर कागज सुलगा, फिर इसका मोक्सा सुलगा, तब हिट इधर आना शुरू होगा, उसके पहले वो हिट ऐसे चला जाएगा। जब आप धुएं के रूप में देखेंगे तो धुएं की गति से आप समझ जाएंगे। तो बेहतर होता है वर्टिकल लगाएं। थैंक यू जी। छोटा सा तो मोक्सा होता है और उसकी हिटिंग टाइम बड़ी परफेक्ट है। जैसे ही पेशेंट बोलेगा हिट लगा, मोक्सा अपने आप बुझ जाएगा। उसकी कटिंग बड़ी साइंटिफिक है वो, और इसीलिए हम कहते हैं रोल मोक्सा का इस्तेमाल ना करें, कट मोक्सा का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कट मोक्सा, कटोरी मोक्सा, अभी कुछ भी नहीं खरीदे, एक बार ये 3-4 चैप्टर हो जाने दीजिए, फिर आपको परफेक्टली हम बता देंगे क्या क्या सामान आपके पास होने चाहिए। अभी 2-3 दिन चीजों को समझ जाइए, क्यों, पैसा फंसाना बड़ा आसान है, पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहता हूं पहले जो सामान खरीदे पहला रोगी से उसकी वसूली हो जानी चाहिए। ठीक है, 2 दिन इंतजार करें, 2-3 क्लास कर ले पहले, सारी सारी चीजों को समझ जाए, बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, पिंकी जैन जी नमस्ते सर। सर जिन लोगों के पिंपल्स होते हैं बच्चों के, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको पप्पी देना चाहिए। बच्ची यार पिंपल्स है, पहले पिंपल्स होते थे तो गड्ढे पड़ते थे, उसको पिंपल्स कहते थे, फिर ये जवानी वाले पिंपल्स आने लगे। पिंपल्स के बारे में अभी हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में डिटेल से चर्चा करेंगे, पिंपल्स पे करेंगे, पिंपल्स के स्कार पे करेंगे, स्कार रिमूविंग पे करेंगे, करेंगे आएंगे हम गालों को। देखिए ब्यूटी की बात करें और गालों को छोड़ के चले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गाल पे भी आएंगे अभी से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। हरी मोदी जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर, जो आपने कटमोक्सा बोला तो 1.5 इंच की जो निडल है उसमें ऊपर से जलाने या नीचे से जलाने, आपको क्या लगता है? देखिए अगर आदमी आप आदमी का बदला लेना है आपको तो उसको नीचे से जलाना है, और पैसा लेके भाग गया तो ऊपर से जलाना है। देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी हीटिंग आप ऊपर से चलाएंगे तो भी स्पायरल होगा, वो निडल से हिट जा रहा है और निडल ऑलरेडी टच है, और नीचे से जलाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेहतर होता है ऊपर से जलाना। बिल्कुल, क्यों, स्पायरल धीरे धीरे उसको महसूस होगा, फिर जब हिट बढ़ेगा तो जब उसको पूरा हिट लगेगा तब तक वो बुझ चुका होगा। नीचे से जलाएंगे तो उसको पहले एग्रेसिव हिट लगेगा और फिर हीटिंग तो उससे डिस्पर्स हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए बेहतर होता है ऊपर की तरफ जलाना। वैसे दोनों तरफ से जला देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन अगर बात परफेक्ट होना है तो अपर इज द बेस्ट, लेकिन अगर लोअर भी जला देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, डोंट वरी। थैंक यू सर जी। रेखा जी, नमस्ते सर, रेखा सोनी बीमारी से। सर मेरे रेखा, दो क्वेश्चन। रेखा जी एक काम कीजिएगा, चैट बॉक्स में 52 है तो अब मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन है। सर वो थैंक यू है सबका, सबको क्लास बहुत अच्छी लगी है, सबने आपको थैंक यू बोला है। मेरा आप लोगों को आभार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कल और आज फोन और मैसेज दिए, सर 2 घंटा नॉन स्टॉप। हम बोला भाई 2 घंटा पार हो जाएगा तब कहना, सर हम लोग तो और भी लंबा करना चाहते हैं, उन लोगों को भी आदत पड़ेगी। नहीं पड़ जाएगी, चलो कोई नहीं। हाँ पूछिए सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने निडल मोक्सा के लिए बोला है कि अगर निडल गर्म लगने लगे तो आप निडल को ऊपर खींच सकते हैं, क्या उस वक्त निडल गर्म नहीं होगी, उसको सेफली पकड़ा जा सकता है? हाँ पकड़ा जा सकता है, डोंट वरी, क्योंकि ये वैसी लाल नहीं होती है, ये स्पाइरल का मतलब हो गया कि ये इसको टच करते हुए घूम के जा रही है, तो निडल ठंडी रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ लेकिन आपने अगर वो कट करके लगा दिया तो निडल ठंडी नहीं रहेगी। ओके ठीक है, एक बार आलू में लगा के दोनों पहले प्रैक्टिस। अच्छा एक अच्छी बात पूछा, जो लोग निडल का इस्तेमाल करते हैं वो आलू के ऊपर निडल लगाइए फिर प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार कर लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, उसके बाद निडल पे।
और निडल पे भी कहाँ करना है वो सारी एक चीज, एक ऑर्थोपेडिकल रिमेटोलॉजिकल का चीज है, और कुछ लोगों को ब्यूटी में भी हम बता देंगे, लेकिन उसके लिए हमने और भी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए ढूंढ रखी है, तो कुछ बहुत सेफ मॉक्सुलेशन पे हम चलेंगे जिससे दिक्कत नहीं आएगी। ये सेफ्टी इसलिए बताया कि कुछ लोगों को आदत है कुछ अलग अलग काम करने की, और उनके क्लिनिक में वो सारी चीजें हैं, तो वो गलतियां करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये आगाह करने की जरूरत है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट पेड वाले क्लास में, वो गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि तो उनको हम बिल्कुल बताएंगे कि उन गलतियों से बचने के लिए ये तरीके हैं और ये तरीके में गलतियां नहीं है, और ये बात हम फ्री क्लास वालों को भी बताएंगे ताकि उनसे भी गलतियां ना हो। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमने वीडियो में भी देखा है और अभी आपने भी बताया कि जैसे निडल के ऊपर हमको पेपर लगाना है, तो पेपर नीचे लगाते अगर गर्म लगने लगे तो हम पेपर को बीच में से कट करके वो भी वहां लगा सकते हैं सेफ्टी रूल वो, के। हाँ वो प्राय उनके वो लोग लगा सकते हैं जिनकी आई साइट अच्छी है और वो घबराते नहीं है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन मुझे लगता है जब, क्योंकि हम लोग तो अपने अनुभव के अनुसार बताते, तो हम तो प्रोटाक्ट नहीं लगा देते, हमारी नर्सें ट्रेंडे लगा देती है, लेकिन जो नया आदमी है वो घबरा जाएगा, और वो लगाते समय अगर नीडल को टच कर दिया तो वो ऊपर वाला तो गर्म है, वो गिर जाएगा। सर क्या उसमें हाँ दोनों साइड से पेपर ले सकते हैं? हम तो दोनों साइड से लेते हैं। हम तो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, हम ये देखिए ये निडल है, हम क्या करते हैं पहले ही घुसा कर रख देते हैं दो, अगर गर्म लगा तो हम आगे बढ़ा देते हैं, गर्म नहीं लगा तो हम पीछे घसका लेते हैं, ओके सर। बाद में डालेंगे, ये प्रैक्टिकल में हम बताएंगे आपको, बाद में डालेंगे तो हम निडल को टच कर देंगे और इसको गिरा देंगे। घबराहट में आदमी कांप जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही तो हाथ का कांपना होता है, तो आप पहले ही वो पीस पीस लगा दिए, गर्म लगा तो घसका दीजिए, नहीं गर्म लगा तो बाहर निकाल दीजिए। वैसे 1.5 इंच में, 1.5 इंच में नहीं लगेगा। ये वाला चीज मैंने क्यों बताया, मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि तो कितना भी समझा दो, हमारे यहाँ मेरे बुद्धि से भी ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, वो कहेगा एक कार टूट रही है ना, हम थोड़ा सा छोटका काट लेंगे उसको, और लेके ब्लेड से आज ही काट के निडल के ऊपर लगाएगा, बोले हम तो लगाते रहते हैं, एक कार टूट तो बाद में, हम तो सालों से कर रहे हैं, 10 साल हो गया, वो करेंगे ही करेंगे। तो मेरा काम है बताना, जो आदमी जी 10 बार सर, रेड लाइट तोड़ दिया बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे, आप उसको कहिए हेलमेट लगाइए, वो कहेगा रहने दो यार, ये पास ही तो जा रहे हैं, ये पनवाड़ी के यहाँ जा रहे हैं, उसी मोड़ पे जा रहे हैं, उधर ट्रैफिक वाला नहीं रहता है, वो हेड सेफ्टी की बात तो भूल चुका है। हेलमेट का मतलब हो गया ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, तो उसका सिद्धांत कन्वर्ट हो गया, आप उसको नहीं समझा सकते। तो जिस आदमी ने मोक्सा को काट के इस्तेमाल करने का तरीका इख्तियार कर लिया, वो मेरी बातों को जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, मेरे को वो भी ख्याल रखना है, इसलिए मैं सेफ्टी की बात बोल रहा हूँ कि कल को दोष मत देना, जी सर, मैंने तेरे को सावधान कर दिया, अब तू छलांग लगाता है तेरी नियति, मैंने तेरे को सावधान भी किया, तेरे को मौका भी दिया, तेरे को सेफ्टी वाली चीज भी दी, तेरे को अच्छा करने का भी मौका दिया, अब तूने अपनी किस्मत ही बना ली कि मेरे को वही करना है, तो करते रहे, क्योंकि तू मान के चला है कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूं, तो कर, मेरा जी काम है बताना, आपका काम है सावधान रहना, लेकिन याद रखिएगा सावधान ऐसे नहीं रहा जाता है, सावधान आदतों में रहा जाता है, सर, आपको सोच के थोड़े रहना है कि मेरे को ऐसा करना है ऐसा करना है, ये तो आपके एक्शन में बनना चाहिए, आपके काम करने की शैली में आ जाना चाहिए, आपने की सोचने की दृष्टि में आ जाना चाहिए, आपकी देखने की दृष्टि में आ जाना चाहिए। आज जितने भी ऑर्थोपेडिक और आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट के जो मॉक्सिलेशन के हैं, उसको तो हर आदमी में घुटना दर्द का रोगी दिखने लग गया, क्यों, उसके एक्शन में आ गया वो, तो जब कॉस्मेटिक ब्यूटी करेंगे तो आपके एक्शन में आना चाहिए वो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बात सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिकल काउंसलिंग कंसल्टेंसी की कर रहा हूँ, किताब और थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा जो आपने वीडियोस भेजी हुई है उनसे रिलेटेड है, क्या रेनफोर और रेनेट का अभी पूछना ठीक है कि बाद में पूछू? हाँ पूछ लो, क्या दिक्कत है। सर आपने जैसे रेनफोर और रेनेट के लिए आपने बोला कि वो किडनी को और ची को स्टिमुलेट करते हैं प्रीनेटल, और उसमें रेन 4 और रेन 6 दोनों चीज का बहुत बड़ा रोल है, तो किसी भी पेशेंट को क्या स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले वो देना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए? एक काम करूंगा, क्योंकि आपके सवाल में इंटरलिंक है थोड़ा सा, और मुझे लगता है 7,000 से, अरे किस कौन बात कर रहा है इतना प्यारा प्यारा, हम लोग छोड़ के उन्हीं की सुने ना, माइक किसने खोला, उनको बोलो बंद करेगा। हाँ एक बार बंद कर लो, जो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं सिर्फ उनका खुला रहने दो, फिर आपकी घरेलू बात हमें सुनाई दे देती है, तो हमारा ध्यान आपके घरेलू बातों में लग जाता है। तो रेखा जी, रेन 4 रेन 6 पे एक काम करेंगे,
कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में पॉइंट डिस्कशन के रूप में मैं थोड़ा डिटेल ले लूंगा उसका। जी सर, ठीक है, जब डिटेल ले लूंगा तो आपके ये सवाल के भी आंसर मिल जाएंगे। और मैंने आपको पहले बोला ना, पॉइंट से बात करना आना चाहिए, पॉइंट से मुलाकात करना आना चाहिए। आपने पॉइंट पकड़ लिया, वो बातें आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। जब आप किताबें पढ़ते हैं इस काम के लिए ये पॉइंट, इस काम के लिए पॉइंट, आप भूल जाएंगे। जब आप पॉइंट को दोस्त बना लेंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। सर आपकी वीडियो में जो था रेनफोर का था कि उसमें किडनी पे भी इफेक्ट करता है, तो वो डायबिटीज से कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है। लिंक है, उसमें रेनेट भी शामिल हो जाता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल बता दूंगा, तब वो एकदम आपके जहन में बस जाएगा। क्योंकि ऑर्थोपेडिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, प्रोलोंग्ड डिसीज वाले रोगी हो, क्रॉनिक डिसीज वाले हो, ब्यूटी वाले हो, रेनफोर और रेनेट के बिना गायनोकोलॉजिकल डिसीज वाले हो, जितने भी जितनी भी महिलाएं रोगी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, रेनफोर और रेन सिक्स के बिना तो उनका काम ही नहीं होना है। और रेन फोर और रेन सिक्स तो 100% मॉक्सिलेशन पॉइंट है, निडल पॉइंट है ही नहीं है। जैसे यूबी 40 हम इस्तेमाल करते हैं आर्थराइटिक पेशेंट में, लेकिन यूबी 40 इज द ब्लीडिंग पॉइंट, ब्लड लेटिंग पॉइंट है वो, लेकिन हम निडल इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे अब आदत बन गई है कि वहां करते हैं, क्योंकि मॉक्सिलेशन नहीं करते बोलकर निडल करते हैं, लेकिन वो तो मॉक्सिलेशन पॉइंट है। वहां मॉक्सिलेशन देने के साथ साथ तो मेडिकल रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर हम आपको बताएंगे क्यों, तो वो थोड़ा सा डिटेल में और बताना पड़ेगा, बताएंगे, चिंता ना करो, तो हम शामिल कर लेंगे। वहां पे रोलर मॉक्सा के लिए बताया गया, तो उसका टाइम पीरियड भी होता है कुछ फिक्स की कितनी देर के लिए मॉक्सिलेशन? देखिए मॉक्सिलेशन तो हमारा एक सेशन एक घंटे का हो जाता है सब चीज मिला के, उसमें बहुत चीज करनी होती है, पेशेंट को तैयार करना होता है और करना होता है, तो वो हम डिटेल में बताएंगे आपको। क्योंकि एक घंटा तक तो खाली वो मॉक्सिलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उसको कैसे करना है, पॉइंट को स्टिमुलेट कैसे करना है, पॉइंट को जगाना कैसे है, पॉइंट से काम कैसे लेना है। जी सर, ठीक है ना। आप नौकर से भी आज के टाइम में आप काम नहीं ले सकते, बच्चों से काम नहीं ले सकते, एक सोए हुए पॉइंट से काम लेंगे तो उसके साथ तो वेल बिहेव्ड होके काम लेना होगा। आप जाके उसको मॉक्सा से लात मारेंगे, नेडल घुसा के बोलेंगे काम करो, और वो आपका काम कर देगा? नहीं करेगा। जी सर, ठीक है। उसको बड़े उससे बड़े प्यार से काम लेना होगा, आ जा बेटा, कर ले चल मान ले कुछ चुप भी बेटा, ऐसे बोल बोल के उससे काम लेना होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम। नर्मदा जोशी जी हाथ खड़ा किया, चेहरा गायब है, बोलिए। सर हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, पहले थोपड़ा दिखाओ, बिना थोपड़ा तो हम लोग को समझ भी नहीं आता कौन सवाल पूछता है। अच्छा वीडियो खोलो। हाँ खोला सर, बोलो। एक्सेलेंट क्लास सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि तेरा एक बार बता, अब एक्सेलेंट क्लास में तेरा हो गया, तू क्वेश्चन बहुत पूछेगी मेरे को पता है, तेरा एक्सेलेंट सुनते ही मेरे को समझ में आ गया तू रोज लास्ट को क्वेश्चन पूछने वाली है। पूछ सर, अभी लास्ट में जो बॉक्स सिखाया ना आपने, वो बॉक्स के बारे में मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने पूछा। अरे काय चिंता करते हो अभी, बट देखो अभी हमारा मकसद क्या है, आपको खाली जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, दिवाली आएगी, नए कपड़े दिखाएंगे, मिठाई दिखाएंगे, बाहर नमक निकलना, हाबू काट लेगा, वो हाबू क्या है किसी को नहीं पता, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाबू की। अच्छा, घर से मत निकलो, हाबू काट लेगा, अभी सेफ्टी की बात हो रही है। जब ट्रीटमेंट की बात होगी, जब मिठाई उठाई की होगी, तब आप बोलिएगा मेरे को तो राज कचौड़ी खाना है। जी सर, वो अभी लास्ट में दिखा ना वो बॉक्स। हाँ नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, अभी बहुत कुछ दिखाएंगे, चिंता ना करो। हाँ जी, अभी सेफ्टी सेफ्टी, अभी आपका दायरा बना रहे हैं पूरा, है ताकि कुछ भी नहीं छूटे। लेकिन एक अच्छा बात है, आपने उस पर दृष्टि डाली, आपने उसको पकड़ा कि डिब्बी जैसा था ना, डिब्बी जैसा था ना सर, डिब्बी जैसा, उसमें हीरे की अंगूठी आती है हस्बैंड। नहीं सर, वो उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद थे ना वो वाला। अच्छा बताएंगे उसको, बताएंगे। हाँ जी सर, बताएंगे जब पॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताएंगे ना, तो उसमें बताएंगे। हाँ, कौन, 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 वो जो वुडन बॉक्स था वो अलग था और ये अलग था। अलग, वो बहुत सस्ता है, डोंट वरी, वो 150-200 रुपए के अंदर का मामला है। हाँ, इतना हाँ, इतना सस्ता जुगाड़ बता रहे हैं आपको, भीख की कटोरी नहीं मिलती इतनी सस्ती तो। हाँ जी सर, बताओ पैसा कमाने की कटोरी मिल रही और क्या चाहिए। चलो मस्त रहो डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर सचिन, थैंक यू सर। हाँ पूछिए। हाँ बोलिए, आपका टाइटल मेरे टंग ट्विस्ट करवा रहा है इसलिए। हाँ अच्छा अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो डिसबल्जिंग हो जाता है, तो उसमें मैक्सिमम साइटिका की प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, तो साइटिका में जो है वो रोलर मोक्सा को किस तरह से हम कर सकते हैं? देखो ब्रदर,
आज क्लास है शक्ति के बारे में, अभी हमने डिसीज पे घुसा नहीं, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, पूछूंगा। आप बिल्कुल उस पर रोलर मोक्षा दीजिए, लेकिन वहाँ रोलर नहीं, वहाँ थंडर मोक्षा इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठ जाएगा कि मैं थंडर मोक्षा बोल तो दिया, फिर आप पूछेगा थंडर मोक्षा क्या होता है, तो मैं बीच में एक काम करूंगा, जब रोलर मोक्षा दिखाऊंगा तो आपको थंडर मोक्षा भी दिखा दूंगा। वहाँ थंडर मोक्षा करना होता है और उसके पहले उसको सेट करना होता है अलाइनमेंट को, तो अलाइनमेंट को सेट करने के बाद फिर हम वो देते हैं। और अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना नहीं आता है तो प्लम बसम की मैं आपको जानकारी दे दूंगा, वहां थोड़ा प्लम बसम करना है, प्लम बसम करके क्वाड्री मोक्षा या थंडर मोक्षा का इस्तेमाल करना होता है। तो ये चैप्टर चूंकि ऑर्थोपेडिक और आर्थेटिक में है, लेकिन अगर बीच में कभी टाइम मिला तो मैं जब कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में जब ये दो चीजें आएगी तो मैं याद रखूंगा, उस समय आपकी इस आंसर को देने की चेष्टा करूंगा। तो अब सचिन जी नाम फेमस है, एक सचिन तेंदुलकर, एक सचिन वो मिनिस्टर, तो आप भी सचिन ने पूछा तो आंसर तो देना पड़ेगा ना भाई जी। थैंक यू, चलो देंगे ठीक है। हाँ, और उसके बाद रूपक भट्टाचार्य जी आइए। हाँ सर, हाँ बोलिए। सर आपने ऑर्थोपेडिक और जो भी बताया न्यूरोलॉजी रिलेटेड भी कुछ मोक्षा से बेनिफिट हो सकती है ना? देखिए अभी हम उस जब जिस गांव नहीं जाना उस गांव का पता नहीं पूछना होगा क्या, क्योंकि आपके सवाल के आंसर देने के साथ साथ सब लोगों के वो सारे क्वेश्चन जाग जाएंगे जो जागने नहीं चाहिए। अभी हमारा फोकस होना है, क्योंकि ये हमने बहुत बड़ा चैप्टर ले लिया, कॉस्मेटिक ब्यूटी बहुत लेंदी है, एक्यूपंचर से भी ज्यादा लेंदी है, पूरे साल भर का कोर्स है, तो उसको अभी हमें कंसंट्रेट करना है। तो अभी ऑर्थोपेडिक न्यूरो गायनी टाइनी सब इधर उधर आ जाएगा और हम दिशा भटक जाएंगे। तो अभी आप करिए बिल्कुल करिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक हिंट दे दीजिए जो उसमें बेनिफिट मिलते हैं या नहीं। देखिए सीधी सी बात है कि शादी करने से बच्चा पैदा होता है क्या, तो हम हिंट दे देंगे हाँ कर लो, अगर किसी का नहीं हुआ तो पकड़ के पीटेगा नहीं सर बहुत सारे काम करने होते हैं। देखिए मोक्षा रिजल्ट नहीं देता है, एक्यूपंचर रिजल्ट नहीं देता है, डॉक्टर रिजल्ट नहीं देता है। डॉक्टर का सारे बेस्ट ज्ञान का सही समय पे सही रोगी का सही डायग्नोसिस करके सही ढंग का प्रोटोकॉल बना के सही टाइमिंग के साथ इलाज करना रिजल्ट देता है। इसलिए मैं कह दूं कि ये रिजल्ट देता है तो इसका मतलब होगा कि 100% रिजल्ट देना चाहिए, फिर 70% रिजल्ट नहीं देना चाहिए। मतलब सर आपका कहने का, आपका कहने का मतलब है हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए और एक्यूरेट हमारी भी अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं 100। देखो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, मैं बोल दूंगा हाँ होता है तो फिर आपका सवाल होगा कि सर फिर कैसे करना है, तो मैंने दो वर्ड बोल दिया थंडर और एक क्वाड्री, तो अब फिर सवाल पैदा हो गया थंडर क्या है क्वाड्री क्या है, तो फिर थंडर और क्वाड्री में हम चले जाएंगे। फिर सवाल उठेगा सर कहाँ करना है, तो कहाँ करने के लिए मुझे पेशेंट को जानना है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल तो एक डिसीज का नाम नहीं है, ये तो बहुत 140 प्रकार के डिसीजेज होते हैं इसमें। फिर आ जाएगा पेशेंट की एज क्या है, किस उम्र में है, कितने दिन के कॉम्प्लिकेशन है, क्या रिपोर्ट है, उसके मैनिफेस्टेशन क्या है, कितने दिन से है, स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, नॉन स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, तो होगा क्या, ये सारी चीज छोड़ के हम नए टॉपिक में भटक जाएंगे। नहीं तो अब एक नया टॉपिक नहीं, आप लगता है मेरी बात ही नहीं समझे, मैंने सारा आंसर आपका दे दिया। इसका मतलब है कि हम अभी अपने सब्जेक्ट से भटक जाएंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ आज की क्लास के बारे में और बात करेंगे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के बारे में। अच्छा सर, आपने ग्रुप में पिक्चर भेजे थे ये सामान लेने की, तो मैंने ओनली फॉर रूलर मक्सा जो आपने बताया जो स्टिक मक्सा उसका मैंने ऑर्डर दिया है, बाकी का मैंने लिया नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा कॉस्टली दिखाई दिया, मैंने बोला हाँ, मतलब, पहले से। अरे एक बार आज के क्लास में आप शुरू से हैं, शुरू से मैं बोल रहा हूँ अभी मत लो, तो अभी मत लो तो आप पे भी लागू होता है ना, मैंने बोला पहले नहीं, नहीं, क्लास मैंने पहले ऑर्डर कर चुका था ग्रुप में से आपने दिला था। कोई दिक्कत नहीं, काम करोगे तो हथियार सब चाहिए, युद्ध के मैदान में नहीं देखा जाता तलवार लेके जाना है, गदा लेके जाना है, क्या लेके जाना है, कौन दुश्मन मिलेगा किसी को नहीं मालूम, क्लिनिक में कौन रोगी आएगा किसको ही नहीं मालूम, तो वहाँ ये थोड़े बोलोगे कि ये रोगी आएगा तो ये खरीदूंगा, ये रोगी आएगा तो ये खरीदूंगा। आप हाँ किस मकसद से कर रहे हैं वो चीजें आपको अपने अनुसार तय करनी है, न तो मैं सामान बेचता हूँ न मैं सामान को प्रमोट करता हूँ। एक मिनिमम क्लास के लिए सब लोगों ने ग्रुप में पूछा कि सर हम प्रैक्टिकल क्या चीज से करेंगे, तो उसका जवाब दिया कि भैया ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, ये चार चीजें हैं, वो चार चीजों का जो आपके पास उपलब्ध है उसका आपको अगर डेमो दिखाना है डेमो दिखा दीजिएगा, जो कमी होगा हम दूर कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अपने बजट के अनुसार, अपने बजट, अपने क्लिनिक, अपने प्रैक्टिस, अपने पॉकेट के अनुसार चलो,
उस सब पे मत जाओ, और सस्ते भी काम कर सकते हो। 3-4 क्लास में हम ये बात बता देंगे आपको कि सस्ता काम कैसे करना। हमारे हमारा पहला मकसद है सस्ता काम करना, महंगा पे मत जाओ। मैंने सर आपका वो देखकर मैंने कैंडल मक्सा जो है, स्टिक मक्सा जो, उसका मैंने एक पैकेट का ऑर्डर दिया था। देखिए ये सब हम टाइम खराब करने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात करूंगा सिर्फ आज के क्लास से, क्योंकि 15 मिनट हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं अभी तक। आज के क्लास से रिलेटेड या आज के क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी चीजों को परचेज करते रहिए और जैसा अच्छा लगा वो करते रहिए। आज जो आपने क्लास में बताया है उसमें जो प्रोटेक्शन और जो भी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी प्रकार से आपने प्रैक्टिकल बताया, मैंने देखा है पूरा ही। चलिए ठीक है, ओके। तो सारे लोग मुझे लगता है सवाल हो गए, अब बज रहे हैं 11:15, तो काफी लोगों को नींद आ रही होगी, तो मुझे लगता है आज का क्लास। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर दो क्वेश्चन और है सर, मेरा क्वेश्चन फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ बोलो। अनिता सिंह झारखंड से बोल रही हूँ। नमस्ते सर। सर आपने एक जगह बताया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वहाँ पे दिखाया कि 4-5 नीडल लगे हुए, वो नीडल बोल रहे कि वो नीडल जो वहाँ पे खड़ा नहीं लगाना है, वहाँ पर करने से पहले कुछ और करना पड़ता है, वो क्या कुछ और करना पड़ता है? वही तो मैं बोला कि वो आपके ऑर्थोपेडिकल वाले क्लास में हम आपको सिखाएंगे अलग से, वो इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, जो जो लोग ऑर्थोपेडिकल और रिमेटोलॉजिकल आर्थराइटिक पेन वाले हैं उनको काम अलग ढंग से करना है। जो फेशियल वाले काम में है, ब्यूटी वाले काम में है, मसाज वाले काम में है, उस लोगों को काम जो करना है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करना है, तो उनके काम अलग है। कोई सर्वाइकल के लिए तो ब्यूटी के काम में नहीं जाएगा ना, बात समझ रहे? दोनों का फिल्टर है, इसलिए दोनों का काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन सावधानी दोनों के लिए बराबर एक जैसी रहेगी। बराबर सिखाएंगे सबसे बेहतरीन गिफ्ट था। आज आपका बर्थडे है जी सर? मैंने आपको बोला था ना कि याद कहाँ रहता है, मेरा बर्थडे याद नहीं रहता। तो चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही हैप्पी रहे, और आपका बर्थडे तो पूरा इंडिया बम फुटा के पहले ही एडवांस में मना लिया है। हैप्पी बर्थडे जी, आपको पूरे ग्रुप की तरफ से हैप्पी बर्थडे, बहुत इसी तरह मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपने चिकनी चिकनी पे हाथ फेरते रहिए, मजा लेते रहिए। ये सुख सबको नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए, और मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न अगर छोटे छोटे हैं तो कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सायरा बोल रही हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ सायरा, पहले हाथ तो ऊंचा करो, तुम दिख ही नहीं रही हो। अरे वाह, तुम्हारा बच्चा कैसा है ये बताओ सायरा। कितना बड़ा हो गया बच्चा? कितना बड़ा हो गया? का हो गया हैं? 2 years का हो गया। 2 years का हो गया। किस पे गया, पापा पे या तुम पे? पापा पे गया। पापा पे, पापा पे गया। तो चलो पूछो, सवाल पूछो। अच्छा सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि यहाँ जैसे आजकल पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जो सामान है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मोक्सा स्टिक अवेलेबल है, तो क्या हम इसी से काम चला सकते हैं? मैं आगे आपको बता दूंगा कि उससे अगर इमरजेंसी कंडीशन से अगर काम कर रहे हैं तो कैसे करना है, और पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पहले मिलता था लेकिन अभी ड्यू टू कोरोना की वजह से अभी वो अभी हाँ, बहुत शॉर्ट है, अभी इंडिया में भी शॉर्ट है। तो रोल मोक्सा अवेलेबल है, तो क्या हम इसी से कर सकते हैं? हाँ, मैं 2-3 आपको सेफ्टी के तरीके बता दूंगा। रोल मोक्सा को एक काम कीजिएगा, छलनी है ना, छलनी जी जी, रोल मोक्सा को खोल लीजिए, छलनी पे आप थोड़ा सा कर दीजिए, बुरादा नीचे गिरेगा, ऊपर में थोड़े से उसके बाल बच जाएंगे हल्के, जो बाल है उस बाल का इस्तेमाल आपको जैसे गिंजर में ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसमें कर सकते हैं, बाकी चीज में कर सकते हैं। और अगर बाय चांस उसकी कट मोक्सा बनाएंगे तो कट मोक्सा सिर्फ 1 थंब का बनाएंगे, ऐसे बैक ऑफ द थंब,
इससे बड़ी साइज का नहीं कट करेंगे, लेकिन चक्कू से नहीं कटेगा, वो जो कटेगा वो आपको 7 ब्लेड से कटेगा। तो वैसा कट करना, मतलब ऐसा ब्रेथ नहीं लेना, उसको ऐसा ब्रेथ लेना, ये दिमाग में रखना। तो छोटे कट लेकर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी ठीक। और उसमें वुडन बॉक्स का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो वो हाथ का, कुछ हम आपको आगे चल के बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है, हाथ का फिंगर का इस्तेमाल करो हिटिंग कंट्रोल करके, कर सकते हो रिजल्ट। वो उसमें 3-4 सिद्धांत होते हैं, आपने पूछा है इसलिए वो सिद्धांत बता देंगे, जिससे उतने ही अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं। मॉक्सा का हिट जो टूटना नहीं चाहिए, वो टूटेगा नहीं कैसे, वो सिखा दूंगा मैं आपको, चिंता ही ना। थैंक यू सो मच। चलो चलो, अपने बच्चे को मेरा प्यार बोलो, सारे घर वालों को याद बोलो, ठीक है, बने। और कोई सर? फैटी लीवर एंड एंजियोमायोलिपोमा इन किडनी डाउट चल रहा है, डाउट ही चल रहा है आधे घंटे। हाँ, फैटी लीवर पे एक्चुअली हम अपने क्लास में बहुत डिटेल में बता चुके हैं। फैटी लीवर में थोड़ा डाइट का रोल बहुत जबरदस्त रहता है, तो आपका पॉइंट मैं नोट किया हूँ। किसने पूछा, मेरे को नाम नहीं पता, दिखा भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो रोज जी ने पूछा, तो फैटी लीवर के लिए एक काम करूंगा मैं एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है, तो आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक और डिटॉक्सिफिकेशन। ये मैं आपको कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी वाले में सिखा दूंगा, तो फैटी लीवर में ये चीजें इंक्लूड होकर फिर कुछ पॉइंट के ऊपर में हम मॉक्सिबेशन करते हैं उसमें, लेकिन उसमें विदाउट डाइट कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉडी की क्लीनिंग, डाइट मैनेजमेंट प्लस निडल एंड मोक्षा, ये 4 चीज का जरूरत पड़ेगा, और कुछ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको एक रोलिंग एक्सरसाइज है, नहीं होगा तो मैं व्यक्तिगत वीडियो कुछ आपको दे दूंगा, तो वो सारे कंबाइन करके आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, डोंट वरी। वो अभी वो चैप्टर आएगा तो उस पर बात करेंगे। चलो, सारे के क्वेश्चन हो गए और 2 घंटे की बजाय हो गए 2.5 घंटे, ठीक है, तो हम लोग लेते हैं विदा। हम मिलेंगे परसों इसी टाइम 8:15 से 8:30 तक, यानी 8:15 to 8:30 तक परसों आप लोग को लिंकअप होना है, और 8:30 से एकदम कांटा टू कांटा हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जो लोग प्रोग्राम में आएंगे, नहीं आएंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम 8:30 से स्टार्ट करेंगे, 10:30 तक क्लास करेंगे, और आज वाली वीडियो दशांक एक बार अपलोड करने की चेष्टा करेंगे, और व्हाट्सएप के हम लिंक खोल देंगे, उसमें ध्यान रखिएगा कि अगड़म बगड़म मत डालिएगा, वरना प्रोग्राम से भी और व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम जितने आसान है उतने ही आसान नहीं भी है, और आपके कमेंट वगैरह जो है वो आपको कैसा लगा, क्या नहीं लगा, बता दीजिए आपके विचार के अनुसार। आज जो प्रश्न मिले हैं उसके हिसाब से भी मैं क्लास में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, और आप लोगों की जिज्ञासा को संत करूंगा, और आप लोगों के प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में आंसर दूंगा। खाली आंसर देने के लिए आंसर नहीं देना चाहता, आंसर को थोड़ा सा मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं, उसको ट्रीटमेंट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्लिनिकल ओरिएंटेड थोड़ा बताना चाहता हूं, तो वो बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, किसी का माइक खुला रह गया, बच्चे तंग कर रहे हैं, रात काफी हो गई, बच्चे को दूध चाहिए, तो दूध पिलाइए, हल्ला हल्ला ना कीजिए, और माइक को बंद रखिए। किन का माइक खुल गया? शिल्पा जी। शिल्पा जी, माइक बंद कर दीजिए, ठीक है, बच्चे अब टाइम मांग रहे हैं। तो चलिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आप लोगों का आभार। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चैट बॉक्स में सब लोगों ने आपको थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत लोगों क्लास में, थैंक यू।